गुड मॉर्निंग बच्चों, हम आज पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन में औषधियों में रसायन। औषधियों में रसायन केमिस्ट्री इन मेडिसिन। आप लोगों ने पिछले पीरियड में ये जाना था कि जो चिकित्सा है उस क्षेत्र में रसायन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जाने कि हम औषधि किसे कहेंगे, है ना। तो मनुष्य जब बीमार होता है या कोई जंतु बीमार होते हैं तो उनकी चिकित्सा के लिए और उसके रोकथाम के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है उसे हम औषधि कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि चिकित्सा जो पद्धति होती है ना, चिकित्सा पद्धति होती है वो चार प्रकार की होती है बच्चों। पर इसके पहले मैं ये बताऊं कि मनुष्य को स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है और स्वस्थ रहने के लिए आज के युग में जहाँ तरह तरह के प्रदूषण हो रहे हैं दवाइयों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो बीमारी के अनुसार मनुष्य को सही दवाई का प्रयोग करना चाहिए। जब सही दवाई का प्रयोग करेंगे तभी वो उस किसी भी व्यक्ति का सही इलाज हो पाएगा। और यदि गलत दवाई का बिना डॉक्टर के परामर्श के सेवन किया गया तो मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह के किसी भी दवाई का प्रयोग ना करें, और करें तो सही ढंग से प्रयोग करें, तभी इन दवाइयों का महत्व है बच्चों। तो मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूँगी। जैसे रसायन के द्वारा जो चिकित्सा होती है, केमिकल के द्वारा चिकित्सा होती है, उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीमोथेरेपी कहा जाता है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें कीमोथेरेप्टिक एजेंट कहा जाता है ना। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, रसायन शास्त्र ने इतनी तरक्की कर ली है कि तरह तरह के दवाइयों का आविष्कार हो चुका है, फिर भी कुछ ऐसे असाध्य रोग हैं जैसे कि कैंसर है और मस्तिष्क संबंधी बीमारी है और कुत्ते के काटने से जो हाइड्रोफोबिया होता है, इन बीमारियों का, एड्स है, ऐसी बीमारियों का आज भी इलाज संभव नहीं है बच्चों, है ना। मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि चिकित्सा पद्धति चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी, देखिएगा। सबसे पहले ये जो चिकित्सा पद्धति के चार प्रकार में यूनानी चिकित्सा, यूनानी या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, दूसरी है होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, तीसरी पद्धति बच्चों होम्योपैथी, और जो चौथी पद्धति है उसे कहा जाता है आधुनिक पद्धति, जिसे कि एलोपैथी कहा जाता है। एलोपैथी, तो चार प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां हैं जिनका उपयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। इनमें से यूनानी चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की मैं बात करूं तो आपको बताऊं, जैसे मिट्टी, जैसे पुराने ज़माने में किसी का पेट दर्द हुआ तो मिट्टी का लेप किया जाता था और वो ठीक हो जाता था। जो लोहे के छोटे छोटे औजार होते जैसे हंसिया है ना, उनको गर्म करके पेट का दर्द हुआ तो आँक दिया जाता था, है ना। इस तरह की जो चिकित्सा पद्धति है उसे कहते हैं यूनानी चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। मतलब प्रकृति में हमको जो जल है, जल के द्वारा चिकित्सा, वायु के द्वारा चिकित्सा और मिट्टी के द्वारा जो चिकित्सा होती है वो है यूनानी या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। आयुर्वेद में हम देखते हैं जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे से जो जड़ी बूटियां हैं, फल फूल हैं, उनके द्वारा चिकित्सा की जाती है। जैसे चरक संहिता है और
सुश्रुत संहिता है उसमें इनका बहुत ही विस्तार से वर्णन है। आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बहुत जगहों पे कारगर है और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में भी हम ये देखते हैं कि जो पेड़ पौधों से जो अर्क निकाला जाता है उनको जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं उनमें मिला के दिया जाता है होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति। और इसके जनक थे चरक थे, सुश्रुत थे, पतंजलि थे, है ना, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के। और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक हैं हैनीमैन, है ना, हैनीमैन ने इस पद्धति का आविष्कार किया। आज भी आपके शहर में दो अस्पताल तो आपके शहर में ही हैं इस पद्धति के। और एलोपैथी चिकित्सा पद्धति, इसको आधुनिक चिकित्सा पद्धति कहा जाता है और इसी चिकित्सा पद्धति का सबसे ज़्यादा प्रचलन है। इसमें सभी चिकित्सा पद्धतियों में रसायन का प्रयोग किया जाता है पर सबसे ज़्यादा जो रासायनिक पदार्थों का एलोपैथी चिकित्सा पद्धति में उपयोग होता है। और ये जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति है जो सरकारी अस्पतालों में की जाती है ना, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है बच्चों की शल्य क्रिया इस पद्धति के द्वारा बहुत ही कारगर ढंग से होता है। प्राचीन जमाने में ये तीनों चिकित्सा पद्धति प्रचलित थे जहाँ पर शल्य क्रिया उतने अच्छे से नहीं हो पाता था, है ना। ये बात अलग है कि हम प्राचीन काल में पढ़ते हैं जैसे रामायण काल में, उससे पहले जब हम सीरियलों में धार्मिक सीरियल देखते हैं तो गणेश जी का सिर कट जाता है फिर हाथी को जोड़ा जाता है, तो उस समय में भी जो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति काफ़ी विकसित थी बच्चों। तब तो सोचिए कि पहली सर्जरी वही थी गणेश जी के सिर को जोड़ा गया, है ना, उसका कोई प्रमाण है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम, धार्मिक ग्रंथों में मिलता है, लेकिन वो भी चिकित्सा पद्धति का अनूठा उदाहरण था कि किसी का सिर कटा हुआ था और फिर से जुड़ गया। आज हमारी चिकित्सा पद्धति तो डेवलप है, विकसित है, लेकिन उतनी विकसित नहीं है जितना कि हमने उन धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा है, तो इसे और अधिक विकसित होने की आवश्यकता है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कुछ चिकित्सा पद्धति, कुछ बीमारियां असाध्य रोग जैसे कैंसर है उसका इलाज नहीं है, मस्तिष्क संबंधी कुछ बीमारियां हैं उनका इलाज नहीं है, और जो कुत्ते के काटने से आजकल इंजेक्शन तो लग रहे हैं, एड्स है, ये कुछ असाध्य रोग हैं, इनके लिए और कारगर दवाइयाँ बनाने की आवश्यकता है। और इसके लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में यदि आप डॉक्टर बने या इस क्षेत्र में काम किए तो कुछ बहुत से कार्य करेंगे। तो जब मैं यूनानी चिकित्सा पद्धति की बात करती हूँ तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है बच्चों, जो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ पढ़ाने के पहले। मैंने पिछले पीरियड्स में भी जब मैं एल्कोहल 11th क्लास में पढ़ा रही थी तो बच्चों से जिक्र किया था, विलायक की बात आई थी, तो जैसे हमारा ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं और उनको जब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो प्रायः लकवा या पैरालिसिस हो जाता है, तब वो लोग एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के लिए नहीं जा पाते, तो यूनानी चिकित्सा पद्धति या प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करते हैं। उसमें वो कबूतर का जो खून होता है उसको जो देसी शराब जिसको कि एल्कोहल कहा जाता है उसमें मिला के पिलाते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो मेरे मन में एक ही प्रश्न उठता है कि उस कबूतर के ब्लड में ऐसा कौन सा केमिकल होगा जिसके कारण कि जो लकवा जैसा बीमारी है वो आसानी से ठीक हो जाता है, है ना। और लकवे की बात होती है तो मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ हमारी एक मैडम है, उनको अच्छा ज्ञान है आयुर्वेद का, तो अक्सर कहते रहती थी कि यदि किसी को लकवा हो जाए तो एक कप मिट्टी तेल पी देना चाहिए, एक कप मिट्टी तेल पी देना चाहिए। और हम लोग सोचते थे कि मैडम मजाक करती हैं या ऐसा कुछ कहती हैं, और ऐसा हुआ बच्चों की मेरे स्कूल की जो मैडम क्लर्क थी उनको अचानक से लकवा हो गया, पैरालिसिस अटैक आ गया, और उनको वही मजाक वाली बात आई, उन्होंने एक कप, अब बीमार तो थी चल पी के देखती हूँ, एक कप मिट्टी तेल पी लिया और उनका जो मुंह टेढ़ा था बच्चों यकीन मानिए कि थोड़ी देर में सीधा हो गया। तो हो सकता है कि उस मिट्टी तेल में भी ऐसा कोई केमिकल होगा जिसके कारण इस बीमारी का इलाज संभव है। तो ये कुछ प्रश्न जो मेरे मन में उठ रहे थे, इस प्रश्न को उठने इस पाठ को पढ़ाने के पहले वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वर्गीकरण, दवाइयों का वर्गीकरण। इसमें से सबसे पहले देखते हैं ज्वरनाशी और पीड़ानाशक। औषधियों का वर्गीकरण, इसमें सबसे पहले देखते हैं ज्वर नासी या ज्वर नासी तथा पीड़ानाशक।
आपको कभी ना कभी बुखार आया होगा, है ना? तब कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं आप? कीड़ा नाशक या दर्द नाशक, कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं? प्रायः जब आपको बुखार होता है तो आप पैरासीटामॉल का उपयोग करते हैं, है ना? किसका उपयोग करते हैं? पैरासीटामॉल का। और इसी तरह से आप और भी दूसरी दवाइयों को लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि ज्वर नाशक क्या है। जब हमारा तापमान अचानक से सामान्य से अधिक हो जाए, सामान्य तापमान कितना होता है स्वस्थ मनुष्य का? हाँ, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट, है ना? उससे अधिक हो जाए, 100 हो जाए या 101 हो जाए, 102 डिग्री हो जाए, तो सामान्य ताप से ताप जब अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? ज्वर आना कहते हैं। तो ताप को कम करने के लिए जो दवाई ली जाती है उसको कहा जाता है ज्वर नाशक। और इसी तरह से हमारे शरीर के कुछ भागों में दर्द होता है या पूरे शरीर में दर्द होता है तब भी हम लोग दर्द नाशक दवाइयाँ लेते हैं, है ना? जैसे कौन कौन सी दवाइयाँ लेते हैं दर्द नाशक? एस्प्रिन लेते हैं, नालजीन लेते हैं, और जो पैरासीटामॉल है इसको भी हम दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना? तो यहाँ परीक्षा में जो आपको पूछा जाएगा बच्चों, तो ज्वर नाशक जैसे कोई दवाई है उसका नाम ही दे देगा। सपोज पैरासीटामॉल दे दिया, एस्प्रिन दे दिया, इसका स्ट्रक्चर बताइए, इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं सबसे पहले एस्प्रिन के बारे में बता रही हूँ। एस्प्रिन जो है दर्द नाशक है और इसको रसायन की भाषा में एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है एस्प्रिन को। स्ट्रक्चर देखिएगा, पिछले पीरियड में आपने बेंजीन के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाए, इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर बना लीजिए और उसमें CO CH3 जोड़ दीजिए और OH एसिड जोड़ दीजिए। ये स्ट्रक्चर है एस्प्रिन का। ये एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है। इसी तरह से पैरासीटामॉल है ना, पैरासीटामॉल के स्ट्रक्चर को देखिएगा। ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में आप OH जोड़ेंगे और NHCO CH3 जोड़ेंगे। ये स्ट्रक्चर है पैरासीटामॉल का बच्चों। ये देखिए, है ना? इसी तरह से नोवलजीन होता है, एनालजीन होता है, है ना? एनालजीन का स्ट्रक्चर आपको बता रही हूँ। एनालजीन के स्ट्रक्चर में जो पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर जो है एनालजीन का भी होता है। अंतर केवल इतना रहता है ये एनालजीन है, सॉरी, ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, ज्वर नाशी और पीड़ा नाशक, है ना? तो उसमें से तीन स्ट्रक्चर आपको बताई। एस्प्रिन का स्ट्रक्चर है ये, यहाँ H लिखिएगा बच्चों, एस्प्रिन है और ये है पैरासीटामॉल और ये है एनाल्जिन। एनाल्जिन और पैरासीटामॉल के संरचना में अंतर इतना ही है, एच के स्थान पर C2H5 आप लोग जोड़ेंगे। इस तरह से पीड़ा नाशक या जो दर्द नाशक दवाइयाँ होती हैं वो केंद्रीय संवहन तंत्र पर प्रभाव डालती हैं। इसमें केंद्रीय संवहन तंत्र पर असर डालती हैं। कभी कभी ऐसा होता है ज्वर इतना ज़्यादा हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं,
है ना, तो इंजेक्शन लगा देते हैं तो ब्लड में अर्थात रक्त में इंजेक्शन चला जाता है, खून में इंजेक्शन चला जाता है, और वो कोशिकाएं या वो तंत्रिकाएं जो दर्द की सूचना मस्तिष्क को देती हैं उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, है ना। और इस तरह से हम जो हैं इंजेक्शन के द्वारा कभी कभी जल्दी ठीक हो जाते हैं। और जैसे हमने मुंह से दवाइयाँ ली तो फिर वो पेट में जाएगा, उसका पाचन हो होगा, तब उसका अवशोषण होगा, तब असर करता है। इंजेक्शन में सीधा रक्त में गया और रक्त में जो कोशिकाएं हैं वहाँ पे पहुँचा और वो निष्क्रिय कर देता है, किसको, जो तंत्रिका तंत्र जो है सूचना पहुँचाते हैं उन तंत्रिकाओं को निष्क्रिय कर देता है। इस तरह से जो दर्द का आभास जो है हमें नहीं होता है ना। अब है, हमने अभी देखा ज्वरनाशी और पीड़ानाशी, अब देखते हैं प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक और जर्मिसाइड। प्रतिरोधी जिसको एंटीसेप्टिक कहा जाता है, तो जब कभी घाव हो जाता है या पीप निकलने लगता है ना, तो हम कुछ दवाइयाँ लेते हैं जैसे घाव को पकने से रोकने के लिए, जैसे घाव ना पके उसके लिए कुछ दवाइयाँ लगाते हैं, और जो जीवाणु है बैक्टीरिया है उससे बचने के लिए कुछ दवाइयों का हम उपयोग करते हैं, कहीं छिड़काव भी करते हैं। तो ये कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं जिनका हम इस तरह से उपयोग करते होंगे? तो सबसे पहले जो छिड़कने वाली या घर में यूज करने वाली दवाइयाँ जैसे कि डेटॉल है ना, डेटॉल का साबुन भी आता है, या कुछ में आप मिला के भी जहाँ पे कुछ रहता है डेटॉल, जैसे ब्लड निकला तो आप रुई में डेटॉल लगाया उसको लगाया, इस तरह से डेटॉल है, टिंचर आयोडीन है, फिनॉल है ना, इनका उपयोग करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, जो जीवाणुओं से हमारी रक्षा करती है। और इसी तरह से हम ये देखते हैं कि खाने के लिए सेप्ट्रान लेते हैं, बैक्ट्रीम लेते हैं, बैक्टीरिया से बचने के लिए बैक्ट्रीम लेते हैं, सेप्ट्रान लेते हैं, और छिड़काव में कीटनाशक के रूप में डीडीटी छिड़कते हैं, गैमेक्सीन का छिड़काव होता है, आजकल कम हो गया है लेकिन पहले जैसे मच्छर को कम करने के लिए इन सब चीज़ों का छिड़काव होता था। तो मैं आप लोगों को डेटॉल का सभी जानते हैं ना, और डेटॉल साबुन का भी उपयोग करते होंगे आप लोग, तो क्यों करते हैं, एंटीसेप्टिक होता है ये, है ना। इसी तरह से बोरो क्या बोरो प्लस आप लोग लगाते हैं ना, वो भी एंटीसेप्टिक है। तो मैं आपको बता रही हूँ डेटॉल की संरचना कैसे होती है। तो डेटॉल की संरचना में भी बच्चों ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, और विभिन्न भागों में विभिन्न चीज़ें जुड़ेंगी इसमें, कहाँ कहाँ पे क्या क्या जुड़ेगा देखिएगा। ये यहाँ CH3 जोड़िए, यहाँ पर भी CH3, और बच्चों इस पोजीशन पे OH जोड़िए, और इधर आर्क पोजीशन पे CL जोड़िए। सरल है संरचना, किसकी संरचना है, ये डेटॉल की संरचना है। तो ये देखिए CH3 ग्रुप इधर उधर जुड़ा है पैरा पोजीशन पे, और यहाँ पैरा पोजीशन पे ही OH समूह जुड़ा है, और आर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है क्लोरो समूह। तो आर्थो पैरा मेटा समझ आया नहीं, या किसी को नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है, बताने की जरूरत नहीं है ना, कल भी बताई थी मैं पिछले पीरियड में। तो ये देखिए ये डेटॉल की संरचना है, और इस डेटॉल का उपयोग जो है आप किस रूप में करते हैं, एंटी सेप्टिक के रूप में करते हैं, है ना। अब इसके बाद देखते हैं निश्चेतक, सुने हो ना, एनल्जेसी कहा जाता है, निश्चेतक किसी को बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये संरचना बना लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बता रही हूँ। जो निश्चेतक होते हैं बच्चों, किसी अंग में जैसे दर्द हो रहा है ना, उसका ऑपरेशन करना है, हमको क्या करना है, ऑपरेशन करना है, तो इस निश्चेतक का उपयोग किया जाता है। एक तो स्थानीय निश्चेतक होता है, जैसे किसी जगह पे लगा दिए, शून्य हो गया, वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, फिर वो हमको पता ही नहीं चल रहा है इसमें कि हमको दर्द का आभास ही नहीं होता। इसी तरह से बड़े ऑपरेशन होते हैं, मेजर ऑपरेशन, और अभी जैसे मैं माइनर बताया, माइनर में किसका उपयोग किया जाता है, जो लोकल या स्थानीय निश्चेतक का,
उपयोग किया जाता है, एनेस्थेटिक कहा जाता है जिसको। और जनरल या सामान्य निश्चेतक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बड़े ऑपरेशनों में, है ना। तो इन इनमें किस में कौन सी दवाई लगेगी मैं अभी आपको लिख के बताऊंगी। तो आप इतना ही जान लीजिए कि जो निश्चेतक होता है किसी मरीज के जो जिस पीड़ा से बहुत कराह रहा है ना, उस अंग को जैसे काटना है मान लो, या फिर किसी चीज़ का ऑपरेशन करके ट्यूमर हो गया उसका ऑपरेशन करके बाहर निकालना, जैसे डिलीवरी केस है, बच्चे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, तो उस स्थिति में सीजेरियन डिलीवरी हो रही, तो उसमें भी निश्चेतक का उपयोग किया जाता है। तो जब निश्चेतक का उपयोग किया जाता है तो इंजेक्शन के माध्यम से निश्चेतक दिया जाता है, या सूंघा के दिया जाता है ना, या खिला के दिया जाता है बच्चों। तो देखिएगा जो निश्चेतक अगला, निश्चेतक चेतना शून्य करने के लिए, है ना, बेहोश करने के लिए, चेतना शून्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्थानीय और दूसरा होता है सामान्य। जैसे किसी अंग या किसी भाग का आपको चिकित्सा करना है तो उसको कहेंगे स्थानीय, इसको लोकल कहा जाता है, और इसको कहा जाता है जनरल। कोई बड़ी चिकित्सा करनी है ना, बड़ा ऑपरेशन करना है तो स्थानीय का प्रयोग किया जाता है, स्थानीय निश्चेतक का, और निश्चेतक कहेंगे इसको। और यदि छोटा ऑपरेशन करना है, माइनर ऑपरेशन करना है तो सॉरी माइनर ऑपरेशन करना है तो स्थानीय जो निश्चेतक है उसका प्रयोग किया जाता है, या एनेस्थेटिक का। और मान लो बड़ा ऑपरेशन करना है तो सामान्य निश्चेतक का उपयोग किया जाता है। तो कौन कौन से जो यहाँ पे स्थानीय में कौन से केमिकल हैं या कौन से दवाइयाँ हैं उनका देखिए, इसका नाम है स्थानीय निश्चेतना के लिए एथिल एल्कोहल, और दूसरा है प्रोकेन, एथिल क्लोराइड है बच्चों, एथिल एल्कोहल नहीं, एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड और प्रोकेन। और इधर जो सामान्य निश्चेतक में हम देखते हैं साइक्लोप्रोपेन का उपयोग किया जाता है, प्रोपेन का उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा कुछ और भी दवाई हैं, जैसे पैथेडाइन, है ना, पैथेडाइन लिख लीजिएगा आप लोग। और इसी तरह से N2O का भी प्रयोग किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड का, है ना, प्रयोग किया जाता है सामान्य निश्चेतना के लिए। मैं निश्चेतक के प्रकार आपको बता रही थी बच्चों, स्थानीय निश्चेतक और सामान्य निश्चेतक, जिसमें स्थानीय निश्चेतक में एथिल क्लोराइड और प्रोपेन और नाइट्रस ऑक्साइड, और एक और बताया था मैंने पैथेडाइन, है ना। तो ये निश्चेतक हैं जिनमें से मैं एक जो निश्चेतक है प्रोकेन, जो स्थानीय निश्चेतक है, और ये उच्च क्वालिटी का निश्चेतक है। इसकी संरचना आपको बता रही हूँ, आप भी बनाइएगा अपने कॉपी में। के सबसे पहले बेंजीन रिंग बना लीजिए,
और बेंजीन रिंग बनाने के बाद पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों प्रोकेन के बारे में, है ना। तो ये प्रोकेन की संरचना है जो स्थानीय निश्चेतक, उच्च क्वालिटी का स्थानीय निश्चेतक है। इसमें कार्बन को बैलेंस कीजिए, देखिए चार बॉन्ड इसमें भी हैं, यहाँ पर भी हैं, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड है ना, नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड, ये संतुलित संरचना है, ये प्रोकेन की संरचना हुई निश्चेतक के रूप में। अब मैं आपको बता रही हूं प्रशांतक, ट्रांसक्विलाइजर कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों को, कोई इतना परेशान रहता है मानसिक रूप से, उसको नींद ही नहीं आती है ना। अब कई तरह की परेशानियां होती हैं, तो इतना परेशान रहता है व्यक्ति कि उसको नींद ही नहीं आती, वो डॉक्टर के पास चला जाता है और डॉक्टर उसकी उसको नींद की गोली देता है, उसको खाता है ना, सो जाता है, उसको नींद आती है, वो रिलैक्स महसूस करता है। तो वही दवाई जो मस्तिष्क को शांत करने के लिए दिया जाता है उसे कहा जाता है प्रशांतक या ट्रांसक्विलाइजर। तो ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिन्हें प्रशांतक के रूप में उपयोग में लाया जाता है। तो जो प्रशांतक के रूप में जिन दवाइयों का उपयोग किया जाता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण दवाई है बारबिट यूरिक अम्ल। बारबिट यूरिक अम्ल, इसके अलावा सर्पासील, इक्वेनील, और सिकोनल, और भी दवाइयाँ होंगी पर मैं ये चार दवाइयों की चर्चा कर रही हूँ आपके बीच, जिसको नींद की गोली के रूप में डॉक्टर देता है ना। तो इन दवाइयों के जो नाम हैं है ना, इनको मैं आपको बता रही हूँ, संरचना बता रही हूँ इनकी, देखिएगा। सबसे पहले देखते हैं बारबिट यूरिक अम्ल। बारबिट यूरिक अम्ल इसे बनाने के लिए ये इस तरह से बेंजीन की संरचना बना लीजिए बच्चों। और इक्वेनिल, दो दवाइयों की चर्चा करूंगी, और एक और दवाई है ल्यूमिनल, ल्यूमिनल भी एक दवाई है। तो दो स्ट्रक्चर बता रही हूँ, बारबिट्यूरिक अम्ल और ल्यूमिनल, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो कार्बन के अवयव इसमें जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बारबिट यूरिक अम्ल, जिसमें यू कार्बन है बच्चों ना, ये यहाँ भी सी कार्बन है,
यहाँ एन जुड़ा हुआ है, इनके साथ एच जुड़ा है, एन एच, है ना। इसी तरह से एन एच यहाँ पे सी एच थ्री जुड़ेगा और यहाँ पर भी एन एच जुड़ेगा। ये संरचना है बच्चों, देखिएगा। ये यहाँ अस्पष्ट है, नाइट्रोजन है ना, और एच है, बारबिट्यूरिक अम्ल की संरचना है। ल्यूमिनल की संरचना इससे काफ़ी मिलती जुलती है, बस अंतर इतना ही है, यहाँ सेम संरचना है दोनों की। ये टू आएगा बच्चों, यहाँ टू, कार्बन की वैलेंसी चार होती है ना, तो टू आएगा। ल्यूमिनल की संरचना यह है, और बारबिट यूरिक अम्ल की भी संरचना मैंने बताई। ये सामान्य प्रशांतक हैं, और किसी को इतना ज्यादा टेंशन है ना, कि वो मरने को उतारू है। ऐसे भी मरीज होते हैं ना कि वो जीना ही नहीं चाहता, तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहता है। तब डॉक्टर उसको हाई लेवल का क्या देता है, प्रशांतक देता है ना। तो जो हाई लेवल का ज़्यादा तनाव हो गया है, तो जो प्रशांतक है उसका नाम है इक्वेनिल, क्या इक्वेनिल। ये बना लीजिए, पहले बना लिया आप लोगों ने, चलिए इक्वेनिल बताते हैं। हाई लेवल का या अत्यधिक तनाव को दूर करने के लिए प्रशांतक, उसकी संरचना कैसे होती होगी। उदाहरण है इक्वेनिल, है ना, अत्यधिक तनाव होने पर यह दवाई दी जाती है। इसकी संरचना देखिएगा, H2N और CO, CH3 और CH3, ये बहुत ही जटिल संरचना है बच्चों। NH2 ये संरचना है इक्वेनिल की। कार्बन इसमें संतुलित है, इक्वेनिल की संरचना है। जब अत्यधिक कहाँ, हाँ यहाँ टू आएगा, ये इक्वेनिल की संरचना है। जब किसी को अत्यधिक तनाव होता है तब इसका उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं बच्चों एंटीबायोटिक्स। जब आपको कोई भी बीमारी होती है, कोई दूसरी बीमारी भी होती है, तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स खाने की सलाह देता है ना। तो एंटीबायोटिक्स क्या है, हमारे शरीर में जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाती है ना, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे प्रोटोजोवन है जो हम सामान्य आँखों से नहीं देख सकते, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, इनकी संख्या बढ़ जाती है, तो उनको मारने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए, उन्हें कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। तो अलग अलग बीमारी, जैसे टाइफाइड हो गया आपको, TB है ना, और इसी तरह से पेचिस हो गया, किसके कारण होता है, अमीबा के कारण होता है, अमीबा बहुत छोटा जीव है, दिखाई नहीं देता। इसी तरह से टीबी की बीमारी किसके कारण होती है, तो हम
हम ये देखते हैं कि जो पेचिस की बीमारी होती है उसके लिए जो दवाई दी जाती है उसे कहा जाता है क्लोरम पेनिकॉल, पेचिस के लिए। ये मिटा दें, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इधर सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक जिसे प्रतिजैविक कहा जाता है, इसके पहले कि मैं दवाइयों की चर्चा करी थी अभी आपके बीच कि सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और जो टाइफाइड की चर्चा करी थी सबसे पहले मैं पेचिस के लिए चर्चा करती। पेचिस किसको बोलते हैं आप? दस्त होना बार बार, है ना, तो पानी से होता है, दूषित पानी को पीने से। दूषित पानी में क्या होता है? अमीबा होता है और सूक्ष्म जीव होते हैं, उसके कारण पेचिस होता है। तो जब पेचिस होता है तो उसके लिए जो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है उसका नाम है क्लोरम पेनिकॉल। मैंने आपसे पूछा टीबी कैसे होता है, ये देखने वाला टीबी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग, है ना। तो इसके लिए बहुत वृहद पैमाने पर कार्यक्रम चल रहा है, और जो टीवी के लिए है ना ड्रग्स दिए जाते हैं जिनको कहा जाता है लाइफ सेविंग ड्रग्स, है ना, लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा जाता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाई है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इसके लिए जो दवाई उपयोग में लाई जाती है। और हम ये देखते हैं कि और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, पर मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, जब एंटीबायोटिक्स की खोज हुई तो सबसे पहला प्रतिजैविक या पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा है जानते हैं आप लोग? हाँ, पेनिसिलिन है पहला एंटीबायोटिक्स, पहला, बहुत बढ़िया, ये पेनिसिलिन है ना। और इसकी खोज किसने की थी ये भी जानते हैं आप लोग? हाँ, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी, और उनको कब की थी? 1928 में। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ये खोज की थी 1928 में इन्होंने। और इस खोज पर बच्चों, क्योंकि ना ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनके कारण इतने लोगों की मृत्यु हो जा रही थी, हजारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे, और इन्होंने जब पेनिसिलिन की खोज की, इसका जो टीका तैयार किया, तो बहुत से लोगों के लिए वरदान साबित हुआ ये, है ना। तब इनको 1928 में इन्होंने खोज की थी, और 1945 में इन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किनको? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। ये बात भी आप जान लीजिए, और मैं इसी पेनिसिलिन की सामान्य संरचना आपको बताती हूँ, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसकी? पेनिसिलिन की। तो देखिएगा सामान्य संरचना, आर मीन्स क्या होता है? एल्किल होता है बच्चों, फिर एल्किल के साथ कीटो ग्रुप जुड़ेगा यहाँ, और आगे चलिए इस तरह से कार्बन जुड़ेगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा बच्चों, इसके बाद NH, फिर देखिएगा CH, फिर देखिए फिर से CH, इस तरह से इसकी संरचना मैं बना रही हूँ, आप देखते जाइए और आप भी बनाइए, है ना, आप भी प्रयास कीजिए।
यहाँ पर आएगा सी एच और यहाँ वही की सीट जुड़ेगा सी के साथ, यहाँ सी ओ ग्रुप पे से एन है बच्चों, यहाँ पे एन जुड़ रहे हैं, एन के साथ यहाँ भी एच आएगा और ये सी एच एन के साथ सी और इस सी के साथ ओ। और ये जो ऊपर जो सी है इसके साथ ये सूत्र है सामान्य, किसका सामान्य, पेनिसिलिन का। ये सूत्र है सामान्य पेनिसिलिन का C9H11 C9H11N2O N2O4 N2O4 हमने पेनिसिलिन की संरचना लिखी और इसमें R जुड़ जाएगा बच्चों, और R की जगह पे आप जो हैं अलग अलग एल्किल समूह को जोड़ सकते हैं। O5 तो हम ये देख रहे थे O5 होगा इसमें, तो यह है सामान्य। देखिए 1, 2, 3, 2, 5 तो इस तरह से ये पेनिसिलिन की सामान्य का सामान्य सूत्र था जो आपने देखा अभी। इसके पश्चात हम ये देखेंगे अगला प्रति मलेरिया या एंटी मलेरिया। ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ हाँ, कहाँ पर ये O5 है बच्चों, इसमें अच्छा हाँ ये संयोजक तो सुधार लीजिए, सी है इसमें। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ किसकी संरचना, पेनिसिलिन की संरचना, और इस पेनिसिलिन की संरचना में हमने ये देख, ये जो पेनिसिलिन है ये क्या है, पहला क्या है एंटी बायोटिक या पहला प्रतिजैविक है बच्चों। अब हम देखते हैं एंटी मलेरियल ना केवल भारत देश में बल्कि पूरे विश्व में हम देखते हैं मलेरिया से मरने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक होती है। सभी देशों में इस बीमारी के लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, और ख़ासकर हमारे इस एरिया में तो सबसे ज़्यादा मच्छर पाए जाते हैं, और सटीक इलाज ना होने पर आए दिन हम देखते हैं कि लोग जो हैं मलेरिया से पीड़ित थे और उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं जिनका उपयोग हम मलेरिया के रूप में करते हैं? तो सिनकोना से के छाल से जो क्विनिन प्राप्त किया जाता था बच्चों, उस क्विनिन जिसको कि हम कुनैन कहते हैं अपनी भाषा में, एक्चुअली में क्विनिन है, उसका उपयोग सर्वाधिक मलेरिया के लिए किया जाता था।
प्रति मलेरिया या एंटी मलेरियल। तो सिनकोना की छाल से प्राप्त किया जाता था क्विनिन, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था मलेरिया के लिए। और आजकल जिस दवाई का उपयोग किया जाता है वो है पेलुड्रीन। क्या? पेलुड्रीन। और है मेपाक्विन, एक और दवाई है मेपाक्विन। मेपाक्विन है बच्चों, में देखिएगा पेलुड्रीन और मेपाक्विन है, और क्विनिन का उपयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। तो मैं आप लोगों को पेलुड्रीन के बारे में बता रही हूँ, पेलुड्रीन की संरचना बता रही हूँ। पेलुड्रीन का पूरा नाम है क्लोरोफेनिल आइसोप्रोपिल डाइग्वानिन। तो इसका रासायनिक नाम सबसे पहले देखते हैं, क्लोरोफेनिल क्लोरोफेनिल और आइसोप्रोपिल डाइग्वानिन, ये इसका नाम है। और इसकी संरचना भी हम देखेंगे, थोड़ी जटिल संरचना है बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले ये बेंजीन रिंग बनाइए और इसमें ये सीएल जोड़िए और नीचे एनएच जोड़िए, उसके बाद सी के साथ एनएच जोड़िए, फिर से एनएच आएगा, बनाते जाइए, फिर बॉन्ड लगा दीजिए, फिर सी जोड़िए, फिर एनएच जोड़िए, फिर एनएच जोड़ी, फिर सी एच, फिर सी के साथ सी एच थ्री सी एच थ्री जोड़ दीजिए। ये इसकी संरचना है बच्चों, इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो एंटी मलेरियल है इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें मैंने संरचना दिखाई आपको पेलिड्रीन की, ये पेलिड्रीन की संरचना है। और इस पेलिड्रीन का उपयोग सबसे ज़्यादा मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है बच्चों। तो ये कुछ दवाइयाँ थी औषधियों में रसायन। इसके अलावा हम और भी देखेंगे, सल्फा ड्रग्स देखेंगे, पेस्टिसाइड देखेंगे, जर्मिसाइड्स, इन सब का प्रयोग कैसे करते हैं अगले पीरियड में हम देखेंगे। तो आप सब ने इन दवाइयों के बारे में ध्यान से सुना और जाना बच्चों, आप सबका धन्यवाद। एक्सक्यूज मी बच्चों, ये जो पेलुड्रीन की संरचना है इसमें ये जो बैलेंसी है इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। ये कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है इधर नाइट्रोजन में लगेगा, तब ये नाइट्रोजन बैलेंस होगा, अब ये संरचना सही है बच्चों। फिर बॉन्ड का अंतर है यहाँ पर, ये सुधार लीजिए आप लोग। इसके अलावा एक छोटी सी त्रुटि और हो गई है, जो हमने प्रतिजैविक देखा था पेनिसिलिन, उसके सामान्य सूत्र में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा सूत्र में और संरचना में भी देखिए। प्रतिजैविक
जिसमें मैं पेनिसिलिन की संरचना आपको बता रही थी, जिसका सामान्य सूत्र देखिए, C9H11 और N2O4 SR आएगा बच्चों। तो संरचना में थोड़ी सी तब्दीली, यहाँ मैंने जो S लिख, यहाँ पे जो पहले जो संरचना मैंने लिखी थी उसमें सुधार कर लीजिए, यहाँ मैंने CO लिखा था, है ना, तो CO को सुधार कर लीजिए, S आएगा। और संरचना बना रही उसको ध्यान से बनाइए, ये सही संरचना है बच्चों, ये सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने CO लिख दिया था, पेनिसिलिन की संरचना है ये। ये सुधार कर लीजिए आप, और इस आर की जगह पे आप मेथिल एथिल और अनिल्किल समूह को लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। एक्सक्यूज मी बच्चों, मैंने डेटाल की संरचना इस तरह से लिखी थी, ये डेटाल की संरचना मैंने बनाई थी, CH3 और यहाँ पर मैंने लिखा था OH और CL CH3। तो मैंने ये पैरा पोजीशन पे OH को लिखा था, तो इसे सुधार कर आप मेटा पोजीशन पे कर लीजिए। डेटाल की संरचना इस तरह से होगी, ये तो ये सुधार कर लीजिए, OH जो है पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ था जो मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा बच्चों।